हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज आपका भाग्योदय कैसे होगा, किस फील्ड में आपको नौकरी मिलेगी, विदेश गमन की क्या स्थिति है, माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किस तरह का व्यापार करेंगे, राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, सबके बारे में बताएंगे। बच्चों का क्या सुख मिलेगा और जहां आप नौकरी करते हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि आज आपको उपाय क्या करना है और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है और आपके लिए शुभ अंक क्या रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना प्रश्न लिखें, नाम लिखें, जन्मतिथि, जन्म स्थान लिखें और अपना प्रश्न लिखें कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अगले कार्यक्रम में देने का प्रयास करूंगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज की क्या स्थिति रहेगी, आज आपको क्या सावधानियां बरतनी है, सब बताएंगे। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, थोड़ी सी आप इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़ा सा सेंटी हो सकते हैं, तो सेंटिमेंटल होकर के, इमोशनल्स होकर के और संवेदना में आके कोई निर्णय न ले, नहीं तो आज आपको व्यापारिक रूप से नुकसान हो सकता है। आपको बैलेंस रहने की जरूरत है, संतुलित रहने की जरूरत है। दिल को दिमाग पर हावी ना होने दें, जो दिमाग कहता है उसकी बात माने, दिल की बात ना सुने, मन मस्तिष्क को आज नियंत्रण में रखें। भावेश में आके कोई भी कार्य न करें, भावेश में, भावुकता में आके किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी व्यापारिक सोच के व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं, नए व्यापारिक सोच के व्यक्ति से, तो ध्यान रखें उसके बारे में थोड़ा सा मूल्यांकन कर ले, अचानक उससे किसी भी प्रकार का डील न करें। और अज्ञात व्यक्ति से किया गया डील आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इससे बचने की जरूरत है। माता पिता की बात सुने, जो माता पिता कहते हैं उनकी बात को सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा। पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के जो आपकी चिंता है वो समाप्त होगी, बच्चों की प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा। यदि आप विदेश यात्रा के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो आपकी अभी उसको रोकने की जरूरत है, विदेश गमन से बचने की जरूरत है। और बच्चों की टेरिटरी में किसी प्रकार का दखल अंदाजी न करें, उन पर पैनी दृष्टि रखें। अगर आप शेयर से, ट्रेडिंग से या अन्य प्रकार के क्षेत्र से व्यवसाय करने के अगर आपने प्लान कर रखा है तो आज समय बहुत उचित है, इस पर आप शुरू कर दें, आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने घर बनाने का प्लान कर रखा है तो आपकी प्लानिंग आज सफल होने वाली है। आज आपको गाड़ी इत्यादि खरीदने का भी योग बन रहा है। वाहन सुख मिलेगा, पुराना रुका हुआ धन मिलेगा, पुराने आपके जो बचपन के मित्र हैं, जो आपके स्टूडेंट लाइफ के मित्र हैं, जो विद्यार्थी जीवन के मित्र हैं, उनके मिलने से मन स्थिति आपकी बड़ी प्रसन्न रहेगी। नए मेहमान से मन खुश रहेगा, घर में नए मेहमान के आगमन से, नए कार्यों से और घर में शुभ समाचार मिल सकता है। घर में आजकल कारी गूंज सकती है, उसका भी प्रबल योग बन रहा है। आज आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा, माली हालत सशक्त होगी। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतने की साझेदारी में किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें, गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज आप क्या करें कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको विद्या दान दे सकते हैं, उसको विद्या पढ़ाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, उसके लिए भी दिन आज का बहुत ही बढ़िया है। आज आपके लिए शुभ अंक 3 है और शुभ रंग हरा है।